इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि कृषि कानून के खिलाफ किसान सड़क पर डेरा डाले हुए हैं। दिल्ली सीमा पर किसानों का भारी जमावड़ा है और किसान तय जगह की बजाय बॉर्डर पर ही प्रदर्शन करेंगे। गृह मंत्री ने हालांकि किसानों से तय जगह पर जाकर प्रदर्शन करने की अपील की थी आज दोपहर। किसानों से बात होगी। मौसमी सिंह हमारे साथ जुड़ चुकी है। मौसमी, क्या खबर निकल कर आ रही है इस बीच? नवजोत, इस देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, देश के अन्नदाता आज अपने खेतों में नहीं है। यहाँ पे सिंगू बॉर्डर पर लगातार तीसरे दिन भी अड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। और जो इनकी बैठक हुई है, बड़ी खबर आपने जैसे बताई कि यहाँ से टस से मस होने को तैयार नहीं है। आज तक के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एक टॉप एंगल व्यू, जिससे दर्शकों को अंदाजा हो जाएगा कि कितनी भारी संख्या में यहाँ पे किसान मौजूद है। दूर नजर दौड़ाइए तो ये कोई रामलीला मैदान नहीं है, ये कोई जंतर मंतर नहीं है, ये है सिंगू बॉर्डर, देश का एक राष्ट्रीय हाईवे, जहाँ पे लगातार ट्रैफिक की आवाजाही बनी रहती है। खेद जताते हुए कि लोगों को असुविधा हो रही है, किसानों ने बोला है कि ये भी राष्ट्र से जुड़ा मुद्दा है, शर्तें नहीं चाहिए, शाह की शर्तों पे मुलाकात मंजूर नहीं है, ये फैसला हुआ इनकी बैठक में। और अगर संजीव से हम बोले, संजीव दूर तक दौड़ा, कैमरे की तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से ट्रक, ट्रैक्टर, तंबू, कनात, राशन, पानी सब लेके मौजूद है। क्या संदेश देना चाहते हैं, क्यों नहीं आप मान जाते? देखिए, कल गृह मंत्रालय की तरफ से हमारे नेताओं को लेटर लिखा गया और कहा गया कि आप बुराड़ी आइए और बात करिए। किसान नेताओं ने इस चीज को बिल्कुल नकार दिया है। बुराड़ी कोई जाने वाला नहीं है। लोकतंत्र में जनता राजा होती है और जो उसके नुमाइंदे हैं वो उसके नौकर। तो जिसको बात करनी है वो यहाँ आए, किसान यहाँ से आगे नहीं जाएंगे। हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि ये तो पंजाब की सरकार ने भेजे हुए लोग हैं। आपको लगता है इनमें से कोई प्लांटेड है? ये किसान है, रियल किसान है। और आज आपको बता दें कि ये लोग पूरा बोरिया बिस्तरा लेके आए हैं। कितना राशन आप अपने घर से लेके आए? हम मैडम 6-6 महीने का राशन लेके आए हम, और जरूरत पड़ेगा तो और राशन भी आ जाएगा। हमारे किसान भाई हैं, ये जो लड़ाई हम जीत के रहेंगे। मोदी जब सत्ता में आए थे ना, उन्होंने एक बात बोली थी कि मैं नौकर बन के काम करूंगा, पर वो नौकर ने एक राजा बन के काम कर रहा, तानाशाही कर रहे हैं मोदी जी। नवजोत, आप सुन रहे हैं कि किस तरह से नाराज हैं किसान केंद्र सरकार के रवैये से। जरा आप देखिए इसमें कुल, हालांकि महिलाएं कम नजर आएंगी पर युवा किसान भी हैं और बुजुर्ग किसान भी हैं, और यहां से ये टस से मस होते हुए नजर नहीं आ रहे।